यार भयंकर इतनी गर्मी हो रही है भाई, कभी कभी सनी बदबू आ रही है यार। 50 रुपए में भाई, खाली 50 रुपए में क्या लोगे यार, मजा आ गया। और गाइस देखो यार ये पीछे ही पड़ गया, इसने बनाया हमारे दादा परदादा के ना मन पर, मुझे नहीं पता उनको पता था। विकास की और विकास, और गाइस हमारे दोस्त का नाम विकास। हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सोच रहे हो गाइस मैं कहाँ से आ गया इसके ब्लॉग में, अरे तू जा रही। तो गाइस आज का ब्लॉग इसका मैं शूट कर रहा हूँ और सुबह सुबह होता है ना, मेरे नाम से रिएक्शन मुझे नाम है मेरा। कौन बोला? और ये रहा अपना रंजीत, थोड़ा काला दिख रहा है। हाँ ये रहा, और ये आदर्श। तो अभी हम निकल रहे हैं वेस्ट ऑफ वॉन्डर्स पार्क जो है निजामुद्दीन के पास, तो चलते हैं हम सारे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल, होप करता हूं आप लोग बड़े और मैं बहुत ज्यादा बड़े। तो गाइस आज की जो ब्लॉग की शुरुआत करी है वो भाई अपने सनी ने करी है, वैसे भी इधर से बहुत ही ज्यादा काला दिखाई दे रहा है तू, यहां पे भी छोड़ गजब बेइज्जती है। और जैसे कि सनी ने आप लोगों को बता दिया है, हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं भाई? आज हम लोग जाने वाले वेस्ट ऑफ वंडर भाई, वहाँ पे जितने भी चीजें बनी हुई है ना वो सारे वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, और भाई जाके बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं, चल। और गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आज हो रही है भयंकर वाली गर्मी यार, बहुत भयंकर वाली गर्मी। तो भाई बिना बकवास बिना देरी करे हुए बस सीधा यहाँ से चलते हैं मेट्रो स्टेशन। और गाइस आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जो वहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपका पड़ता है निजामुद्दीन। तो फटाफट से बिना बकवास करे भाई जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, मर रहे हैं गर्मी में। तो गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी में आप लोगों के लिए भाई मैं निकल रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो भाई फुल पावर से सपोर्ट करो और भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अभी का भी ठोक दो भाई। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अजीब जानवर है। Few inches later. हाँ भाई। देखना। तो अरे भाई पकड़ लिया। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ यार निजामुद्दीन से बाहर, देखो बाहर निकला ही हूँ जस्ट स्टेशन से। देखो और गाइस देखो यार ये पीछे ही पड़ गया क्या यार, मैं खुद अभी मेरे को खुद किसी ने स्पॉन्सर वी फाउंड इन नाइजीरियन गाय निजामुद्दीन। छोड़ भाई, ओ इसको ले जा यार, एयरबड्स निकालिए। क्या हो गया? क्या है तू मेरा दोस्त? क्या हुआ? घर छोड़ना छोड़। भाई जल्दी चलो बहुत गर्मी है। भाई सनी डॉन है। गाइस फाइनली हम लोग निजामुद्दीन से बाहर निकल चुके थे और गाइस अभी चलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर की तरफ। अच्छा पैदल ही जाएंगे? पहुंचे 240, एक मिनट का रास्ता ये रहा। तो गाइस अभी आप यहां से उतरोगे ना, ये देखो निजामुद्दीन से जस्ट बाहर उतरोगे तो यहां से एक मिनट का रास्ता है, फिर आप एक मिनट के रास्ते में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वेस्ट ऑफ वंडर के जस्ट बाहर की तरफ, अब चलते हैं गाइस अंदर की तरफ। तो गाइस हम अंदर जाने के लिए हमारा दोस्त बाहर वेट कर रहा था और हमें ये देखो क्या चीज़ मिला, देखो इधर आओ। विकास की और विकास, और गाइस हमारे दोस्त का नाम विकास। कुछ भी ये अच्छा था गुरु, अरे हाथ मिलाओ भाई हमसे भी। हाँ अब चलते हैं गाइस इसके अंदर का टिकट पटा करते हैं क्या क्या चीज़ है। हाँ जी सर आप फिर से आ गए? अच्छा आपका भाई था वहाँ पे, मेरे को तंग कर रहा था मेट्रो स्टेशन में। अबे क्या बोल रहा है? अभी चलते हैं इसके अंदर और पता करते हैं भाई क्या क्या टिकट है, क्या क्या प्राइस रहेगा यहाँ का। और भाई ये एंट्रेंस तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है गाइस ये। तो गाइस आप लोगों को बता दो इधर है एंट्रेंस का गेट, मतलब आपको मत सिखा चल। और गाइस इधर है टिकट काउंटर, यहाँ पे आकर टिकट वगैरह पता कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे आप लोगों को टिकट का सब कुछ डिटेलिंग वगैरह इधर मिल जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने टिकट ले चुके हैं, ये पड़ेगा हम लोगों को 350 और इतने जाने लोग जा रहे हैं। और गाइस इसका टाइमिंग आप लोगों को बता दूं, ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है, आप लोग आ सकते हैं गाइस और आके एंजॉय कर सकते हैं। पर अभी गाइस सीधा चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग अंदर घुस चुके हैं और देखो यार लीची के लिए लड़ाई कर रहे हैं लोग। जय हिंद लिख देना गाइस कमेंट में, गरीब नहीं हो जाओगे जय हिंद लिख दोगे तो। ओ क्या मस्त है। तो गाइस फाइनली मेरा पहला लोकेशन देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हम आ रखे हैं भाई पिरामिड के पास में देखो, और इसका कुछ पिरामिड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है इन्फॉर्मेशन, प्लस यार ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है तो यार उसके बारे में बाकी ये सारी चीज़ें दिखा गया है। यहाँ देखो मटेरियल यूज्ड क्या क्या लगा है यहाँ पे। और गाइस दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है वेस्ट मटेरियल का यूज़ करने के बाद, भाई कितना अमेजिंग लग रहा है यार, मस्त लग रहा है। मानता हूँ बट रियल का नहीं है, बट यार आके देखोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा आपको कि रियल जैसा ही है। और गाइस ये जो साउंड आया है ना, यहाँ पास ही में रेलवे स्टेशन है तो उसी का साउंड आया है।
तो गाइस फिलहाल हम लोग अभी दूसरे लोकेशन पे आए हैं। दूसरा लोकेशन भाई लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो भाई रियल वाला जो है ना वो इटली में है, बट यार हमारा बजट कम है तो इसीलिए गाइस हम लोग यहाँ पे आया है ये सस्ता देखने के लिए। और गाइस देखो सस्ता है पर बहुत ज़्यादा सही है। और गाइस ये इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है ना क्योंकि यार ये थोड़ा सा ना टेढ़ा है, देखो और नीचे से भी थोड़ा सा देख सकते हो हल्का सा टेढ़ा। और गाइस कुछ भी हो पर यहाँ पे यार रिएक्शन लोग आए हैं तो भाई छोड़ेंगे नहीं ये कुछ भी जगह। अर्जुन सुरु ब्रो, हाँ जी ब्रदर, करो यार आप भी कुछ। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, यस मनी कैन बाय हैप्पीनेस, देख सकते हो भाई। तो गाइज फिलहाल देखो हम लोग आ चुके हैं आईफिल टावर के पास में। और गाइज इसमें जो जो चीज़ें मटेरियल लगाई है बनने में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें लगाई, भाई पढ़ लेना खुद ही, मैं इतना नहीं पढ़ने वाला। और गाइज देख सकते हो मैं तो गाइज खाली बस लूँगा नज़ारे के मज़े और आप लोगों को भी दिलाऊँगा ये चेक करना भाई, ऐसा देखना पड़ रहा है। गाइज आईफिल टावर क्या ही खतरनाक, क्या ही सेक्सी लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। और देखो यार हमारे लोंडे बिल्कुल जाके बीच में ही जाके बैठ गए यार, ये कोई बात है? पर गाइज कुछ भी कहो बिल्कुल मस्त लग रहा है गाइज। आप लोग आ सकते हैं यार यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है। और गाइज ये सब सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, देखो यार लोहा हो गया, कुछ पाइप लगा हुआ है, लाइटनिंग यार रात को तो जलता भी होगा, ये चमकता होगा मस्त। किसने बनाया? हमारे दादा परदादा थे ना मंडपर, मुझे नहीं पता, उनको पता था। अच्छा या ये बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से। तो गाइज अभी वो वाला लोकेशन छोड़ के अब दूसरे लोकेशन जा रहे हैं, बट गाइज ये जो रास्ता बना हुआ है ना भाई कितना ज़्यादा मस्त लग रहा हुआ है यार ये रास्ता। तो गाइज अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे आए, देख सकते हो क्लोजियम के पास में, और भाई उसका डिटेल यहाँ पे पड़ा हुआ है और देख सकते हो किस किस चीज़ों से ये बना हुआ है, ये सारे मटेरियल यहाँ पे लगे हुए ये बनने में। और गाइज कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। बाकी ना थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ, गार्ड उड़ तो नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा अंदर जाके दिखा देता हूँ। देखो गाइस ओए होए बिल्कुल मस्त लग रहा है भाई, बट ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा गाइस, पर ना गार्ड तो तुम्हें पता ही है कितना मस्त रिलेशन है गार्ड के साथ हमारा। भाई अच्छा लग रहा है दिखने में, देखो यार पूरा मस्त लग रहा है भाई रियल में ना सही, कम से कम यहाँ पे आके 3D मॉडल बट थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का फील तो हो रहा है, वही हो जाए यार इतने पैसे में वही काफ़ी है। 50 रुपये में क्या लोगे गाइस यार तुम लोग, पर काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई। तो गाइस तो फाइनली हम लोग एक और लोकेशन पे आ चुके हैं, अपना ताजमहल पे भाई। स्टॉप भाई स्टॉप, क्यों? अच्छा वो पीछे सस्ता ही बोला होता, सस्ता ताजमहल नहीं भाई, अपना ताजमहल चाहे कितना भी सस्ता हो भाई, ताजमहल ताजमहल है। पर एक चीज नोटिस किया, बाकी और देखो जो भी बनाया स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें इतना डिटेलिंग के साथ नहीं बनाया, पर देखो ताजमहल में देख रहा है हर चीज एकदम डिटेलिंग के साथ दिया है, ये आगे ये नहीं देख रहा, ये देख क्या चीज, ये देख रही हो। हाँ मैं वही तो, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, टाइम टू टाइम। अरे वो तो छोड़ दो ना, सही मस्त लग रहा है, पर तोड़ थोड़ी रहे भाई, तोड़ने की बात नहीं है ना भैया, इतना अच्छे से मेहनत से बनाया है। और वैसे वैसे ऐसा बना देना चाहिए था ताकि हम लोग अंदर जा सके, थोड़ी देर रहना, दूसरे फील कर सके वेस्ट मटेरियल से, कूड़ा कबाड़ा से कैसे वो बनाए तरीका जान सके, ताकि हम घर जाके वापस से एक और ताजमहल बनाए। यू आर चालाक ब्रो, अरे हमारा भी हाथ क्या बोलते है ना। वैसे कि आप लोगों को ताजमहल के बारे में ज्यादा से कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सब लोगों को पता ही है ताजमहल के बारे में, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं। और गाइस अब यहाँ से सीधा चलते हैं दूसरे वाली स्पॉट पे। तो गाइस फाइनली हम लोग दूसरे लोकेशन पे आ चुके थे, और गाइस भैया करने वाले थे स्टंट पर हम लोगों ने उनको करने नहीं दिया भाई। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे अभी स्टॉप करके आप लोग पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा मैं पढ़ना नहीं चाहता। बाकी इसमें कौन कौन से वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है ये देखो गाइज। और गाइज आप लोगों को ये सारी जगह कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताना गाइज। ये देखो भाई ये चालू हो जाते हैं यार हर कोई पे भाई, जो भी हो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है यार। 50 रुपये में भाई, खाली 50 रुपये में क्या लोगे यार, मज़ा आ गया भाई देख के। यार हंस क्यों रहे हो गाइस, तुम लोग भी 50 रुपये दे के आए हो, अच्छा वो भी आप भी 85 रुपये, अच्छा नहीं, नहीं। ये तो फ्री का है, पैसे दे, इन्हें उल्टा मिलता है 50 रुपये।
तो गाइस फाइनली हम लोग दूसरे लोकेशन में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और भाई इसके डिटेल में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़वा देता हूँ, यहाँ पे इसका कुछ डिटेल रखा हुआ है भाई, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, बाकी इतना सब कुछ पढ़ने नहीं बैठा यार मैं। और गाइज आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी जो मटेरियल लगे हुए हैं ना गाइज, ये सब लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइज क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई, सामने से तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और गाइज यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे से आए घूमने के लिए, मस्त लग रहा है गाइज ये घूमने के लिए भाई साहब। आप भी आ सकते हो, मैंने सब कुछ एड्रेस आप लोगों को बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये पड़ता है आप लोगों का निज़ामुद्दीन न्यू दिल्ली में। और गाइज आप लोग आ सकते हो। और गाइज यहाँ के एंट्री टिकट है ओनली ₹50/50 में फुल 7 वंडर सारा सब कुछ घूम सकते हैं आप लोग, खाली पता। कौन ये देना, मैं तेरे वास्ते नाच ही रहे हर बार बिना मेरे बीच में आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं समंदर में गाइस, देख सकते हो समंदर, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थी। झूठ बोलो और हां हां हां, देखना देखना देखना, बार बार झूठ बोलो भाई, मस्त लग रहा है पर कुछ भी कहो। अर्जुन कैसा फील आ रहा है तेरे को यहाँ पे आके? अच्छा ही है। नेपाल की याद आ रही है? नहीं भाई, मेरे को ये देख के नेपाल की बहुत ज्यादा याद आ रही है गाइस। ये देखो, ओ भाई साहब, ओ भाई बंदर बंदर, ये आपको सुनाने के लिए यहाँ यहाँ इतने इतने दूर ले जाता है लेकिन कहीं की बस की बात नहीं है। मेरा मन कर रहा है इसके अंदर एक बार चले जाऊँ, नहा धो के फिर वापस आऊँ, क्योंकि यार भयंकर इतनी गर्मी हो रही है भाई। कभी कभी सनी बदबू आ रही है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं भाई, ये बात नहीं है बट गर्मी बहुत भयंकर हो रही है कि मेरे को एक बार डुबकी मार के वापस निकलने का मन कर रहा है। नहाओगे मेरे साथ, कंपनी दोगे? आ जाओ फिर कूदते हैं, चलो चला। तो गाइज हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है और अब हम आ चुके हैं कैंटीन के पास में। और गाइज यहाँ पे जो कैंटीन भी बन रहा है, आई थिंक सो ये भी वेस्ट मटेरियल से बन रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है भाई, बताओ भाई, कैंटीन यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बन रहा है क्या? लोहे का ही खाना मिलता है, लोहे के परांठे मिलते हैं और ज्यादा खाना क्या। मजाक था गाइस, मजाक था, ऐसा कुछ नहीं, खाना तो आपको सब ऐसा ही मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आके अब खत्म होता है ये सारा पार्ट, हम लोगों ने 7 वंडर्स कैप्चर कर चुके हैं, वो भी गाइस सिर्फ ₹50 में। और गाइस इधर पे सब बैठने की जगह है भाई, कितना अमेजिंग लग रहा है। अच्छा तो गाइस ये ना पूरा एक राउंड कनेक्टेड है पूरा, ये वापस हम वहीं पे आ चुके जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। तो गाइस फाइनली अब हम लोग इस जगह से एग्जिट लेने वाले हैं। और गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई, ₹50 में मस्त मस्त जगह हम लोगों ने घूम लिया। अरे गाइस पीछे कुछ लोग गाना गा रहे हैं, बट यार शाम के टाइम पर ज़्यादातर लोग और भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि शाम को यार मस्त लग रहा है घूमने के लिए। और गाइज आप लोग यहाँ से लेते हैं एग्जिट। और गाइज आज का व्लॉग यहीं तक रहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर से करके जाना, तब तक लिस्ट से प्लीज़। बाय बाय।